हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, इस बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे UIDAI। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे UID पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए हम, कट कर देंगे इसको। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है वेरीफाई एंड आधार नंबर। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ लिखा है प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार। यहाँ पे फिर प्रोसीड करेंगे तो आपका भी आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले आधार नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे जो है कैप्चा, हम कैप्चा डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई करेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा योर आधार इज वेरीफाइड। देखिए इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, इनवैलिड कैप्चा आ गया। अभी हमें क्या करना है, इस कैप्चा को जो है अभी JFXYG3। ठीक है, अब इसे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए लिखा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। ये देखिए हमारा एग्जिस्टिंग नंबर ये है, ये आधार नंबर हो गया हमारा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ वेरीफाई आधार और यहाँ देखिए आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। इसमें एज आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए आधार कार्ड वेरीफाई करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।